सो ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए हैं यहाँ पर गुज्जू बाय टेस्ट। लोचो एंड खमंड मिलता है यहाँ पर, बोरीवली का फेमस लोचो हाउस है। सो लेट्स टेक अ टेस्ट, लेट्स टेक अ बाइट। लोचो ठीक है ना? अच्छा सब फेमस ही है क्या? ठीक है, तो कुछ ऐसा डिश आप तैयार करके देते हैं जिसमें हम लोग थोड़े थोड़े आइटम सब ट्राई कर सके? वैसा नहीं है? अच्छा, पर प्लेट कैसे दिया वैसे लोचो का? ओके ठीक है, पहले वही ट्राई करता है। सो बोरीवली बोला गया तो दिस इज़ अ गुजराती हब एंड गुजराती क्राउड अट्रैक्टेड बाय दिस ऑल डिशेस एंड दिस इज एक्चुअली वेरी टेस्टी। देखकर भी काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रहा है। सो अभी हम ट्राई करने वाले लोचो का एक प्लेट, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे और दूसरा क्या वैरायटी हम टेस्ट कर सकते हैं। सो ये गुज्जू बाय टेस्ट का लोचो हाउस है। पहला यही दुकान यहाँ पे जानी लोचो हाउस से जाना जाता था, बोरीवली का वन ऑफ द फेमस एंड द प्राइज ऑल्सो अवेलेबल ओवर यो, आप देख सकते हो। एन नंबर ऑफ गुजराती वैरायटी, ओ वड़ा पाव भी है। अभी राजा कभी कभार मलाड से तुझे यहाँ पे ये लेने को आना पड़ेगा। आप पार्सल देते हो ना? डिलीवरी देते हैं? डिलीवरी जोमेटो पे है। अच्छा, हम मलाड में रहते हैं तो पहुँच जाएगा। अरे वाह, जोमेटो पे से मलाड से भी होगा। वाह ग्रेट। अच्छा ठीक है, मैं ऑर्डर डेफिनेटली करूँगी, काफ़ी टेस्टी है। वाटी डाल का खमन ठीक है, वो भी एक टेस्ट करेंगे हम। ये लोचो बनता किससे है? चने की दाल। चने की दाल से? मतलब जैसे ढोकला बनता है उसी तरीके का है क्या? उसका ही सॉफ्ट पार्ट रहता है। अच्छा ओके, वेरी नाइस टेस्ट। और ये क्या है? ये पालक का खमन। पालक का खमन, आप मुझे मिक्स करके दे सकते होंगे तो बहुत अच्छा होगा। सो ये सब मिक्स है सब कुछ? ओके, सो दिस इज, इसमें क्या क्या है ये आप ज़रा एक्सप्लेन करेंगे? दिस इज खमन, दिस इज सैंडविच ढोकला, दिस इज लौकी का मुठिया, पात्रा पालक का खमन। ओके, सो अभी पूरा गुजराती डिश हम ट्राई करते हैं। पूरा गुजराती डिश ट्राई कर रहे हैं। सो आई एम ट्राइंग ऑल ऑफ द डिशेज नाउ एंड इट इज़ रियली वर्थ। लोचो मैंने अभी भी ट्राई किया एंड इट्स रियली वर्थ। मैं मलाड से यहाँ तक ढूंढ ढूंढ के मैं आई हूँ, इट्स रियली वर्थ। ये मुझे देखता एक्चुअली ढोकला लगा था, बट ढोकले जैसा है थोड़ा सा वैरायटीज में थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। तो अभी ये पालक का, पहली बात तो ये जो चटनी है ये पता नहीं कैसे बनाया है, इट इज़ टू गुड टू गुड। मेरा आना बढ़ता, इट इज एक्चुअली ग्रेट ग्रेट टू टेस्ट। जितना तीखा उतना मीठा, उतना खट्टा, एवरीथिंग इज सो बैलेंस। मिर्ची को भी इस तरीके से तला गया है और पात्रा सो नाइसली प्रिपेयर्ड, सो सॉफ्ट, इट इज रियली व्हाट टू कम हियर यार। ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। सो दिस इज गार्लिक वन, इसमें और पहले वाले में क्या डिफरेंस था? इसमें गार्लिक का पेस्ट आता है। अच्छा, इसमें गार्लिक, और वो जो पहले वाला था वो जैन स्पेशल है क्या? जैन स्पेशल भी बोल सकते हैं, नॉर्मल भी। पर नॉर्मली सूरत में आप जब भी खाना खाने जाओगे तो वो ओरिजिनल लोचो जिसको बोलते हैं वो दैट इज ऑयल लोचो। अच्छा, जैन कैन ऑल्सो ईट, नॉन जैन कैन ऑल्सो। ओके ठीक है, ये भी ट्राई कर लेते हैं। ये लोचो फिर से ट्राई कर रहा है,
मुझे तो पहला वाला भी बहुत यम्मी लगा था, अब ये गार्लिक वाला हम जरा ट्राई करके देखते हैं। पहला वाला जैन था एज वेल एज नॉर्मल गुजराती कैन हैव इट, दैट वाज द ओरिजिनल टेस्ट। ये गार्लिक वाला है, इट इज ग्रेट, आउटस्टैंडिंग। द चटनी यूज इज सो यम्मी, तीखा भी नहीं है मीठा भी नहीं है, बहुत सही है। एक बाइट खत्म होता सब तक वापस दूसरा बाइट ले लूँ मैं। पूरा के पूरा गार्लिक का टेस्ट एकदम उभर के आ रहा है। इट इज टू गुड, टू गुड, टू यम्मी। ऑब्वियसली गुजराती पीपल डेफिनेटली विल लव दिस, एंड आई एम नॉट गुजराती बट आई एम लविंग इट। आकर 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 तो आपने ये देख लिया गुज्जू बाई टेस्ट, जो एग्जैक्टली यहाँ पर कोकुल होटल के सामने ही है। सो दिस इज़ ऑसम वन। बोरीवली में जब भी आइएगा डेफिनेटली यू शुड कम योर इफ़ यू लव गुजराती टेस्ट।